नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम मंडे के लिए। 5 और 6 की शायद शायद क्या छुट्टी है, ये सैटरडे रहेगा ये संडे रहेगा, देन 7th ऑफ फेब को मंडे के दिन मार्केट खुलेगा। तो आइए उसके लिए एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। एंड सॉरी दोस्तों, मैं बिजी था आजकल और ऐसे शायद दिन आएंगे आगे, क्योंकि फेब मार्च थोड़ा सा ये बिजी रहता ही है भैया प्राइवेट सेक्टर में। तो सुबह से ही मैं ऐसे काम में फंसा हुआ था, मैं जस्ट अभी 3 बजे के बाद मैंने मार्केट देखा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में जैसे कि हम जहां पीछे की तरफ थे, तो उसमें सिंपल सा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया ये हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, और इसका निफ्टी बैंक निफ्टी ने जो है ब्रेकआउट दिया, ये इसकी नेकलाइन थी, इसका ब्रेकआउट दिया और आज इसके नीचे आ गया। ठीक है, 38,800 हमारी नेकलाइन थी, तो भैया एसएल हिट हो गया है, मैंने भी लॉस बुक किया है। और ये प्रॉपर जो नेकलाइन होती है, ये आपकी हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन थी, इसके नीचे आके क्लोज किया, यानी 38,735 पे क्लोज है। बट हम प्रोविजनल क्लोजिंग देखते हैं कितनी है, मानने तो वही रखती है क्योंकि आपका खुलेगा भी फिर निफ्टी उफ्टी उसी के हिसाब से। तो प्रोविजनल क्लोजिंग जो 789 देखे 11 पॉइंट नीचे, तो मतलब बिल्कुल बीच में छोड़ दिया है, ना तो ऊपर है ना नीचे है, इस तरीके की क्लोजिंग है कि भैया ना तो ऊपर है ना क्या, ना तो नीचे है ना ऊपर है। 38,800 बिलो क्लोजिंग अपना एसएल था, इसके जस्ट 11 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आई, जस्ट 11 पॉइंट 38,789, बट स्टिल भैया इसके नीचे है तो नीचे है, स्टॉप लॉस हिट। इस पैटर्न को अब हम तभी प्ले करेंगे जब 38,800 के ऊपर चलेगा, 38,800 के ऊपर चलेगा आपका बैंक निफ्टी, उसको दिमाग में रखिएगा नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो यहां पे इसके नीचे है भैया, नो बाय, नो बाय, नॉट एट ऑल बाय, और सेल का सजेशन नहीं है। सेल का सजेशन क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। ये है आपका बैंक निफ्टी स्ट्रांग है दोस्तों, ये इसी लेवल के नीचे वीक होगा। ये आपको उस दिन वो कैंडल दिख रही है बजट वाली, ये आपका बजट है, बजट मंगलवार को आया था, कब आया था बजट, आया था आपका 1 फरवरी को। ठीक है, 1st ऑफ फेब को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यस करेक्ट, ट्यूसडे को बजट आया था। ट्यूसडे को जो ओपनिंग थी बैंक निफ्टी की वो थी आपकी, सॉरी क्लोजिंग जो थी वो थी आपकी 38,510। तो ये लेवल जो है 38, अब मोटा मोटा लगा लीजिए 38,500, ये ब्रेक होता है तभी आपको बैंक निफ्टी में सेल साइड प्ले करना है, इसके नीचे 38,500 के नीचे। अब कुछ लोग हैं कि भाई दोनों साइड बोलता है, मैं ऐसे लोग बिल्कुल मेरे चैनल पे ना आए जिनको ये सुनना है कि भैया ये अगले दिन बाय कर लो अगले दिन सेल कर। मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, मैं 1 से 1.5 घंटे की पोजीशन बनाता हूँ मैक्सिमम इंट्राडे, उससे ज्यादा मैं ट्रेडिंग इंट्राडे में करता ही नहीं हूँ, और पोजिशनल में पोजिशन तो उसके हिसाब से मैं लेवल बताता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं बाय साइड था, वही आप लोगों को बता रहा था, वो 38,800 का एसएल था जो कि हिट हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, शुरू में बैंक निफ्टी आज जरूर तेज था पर नीचे आके क्लोजिंग दिया तो ऐसा लेट है। बट एक चीज आप देखिए, यहाँ पे इसने जो नीचे जो लो बनाया वो बनाया आज 560 के आसपास, वहां से 200-250 पॉइंट रिकवर कर गए लो से। ठीक है, तो ये जो आज का लो है, सिंपल सी बात है, जो आज का लो है ये रहेगा आपका, सॉरी ये यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं, यहां से आपको सेल मारना 38,500, क्योंकि इसके नीचे भी 30-40 पॉइंट, इससे 38,500 ब्रेक हो तो ही आपको सेल मारना है, तब आपका टारगेट है ये। ठीक है, और ये निकल के आता है 38,200, और ये मुश्किल से आधे एक घंटे का ट्रेड होगा, यही ट्रेड आपको लेना है जब ये नीचे की तरफ जाता है, अदरवाइज बी रेडी फॉर बाय अबव 38,800, इसके ऊपर निकले बाय ही करिए, क्योंकि ये नेक लाइन है, मैं आपको दिखा चुका हूं पहले भी, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं यहां पे।
अब आज ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं वीकली कैंडल कैसी बनी। वीकली कैंडल बढ़िया बनी है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बट ऊपर भी अच्छी खासी विक है, और आप देखिए इसने इसी ट्रेंड लाइन को छुआ, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ खींची हुई ये वाली, इसी ट्रेंड लाइन को छुआ है, तो नेक्स्ट वीक अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है 38,800, तो आपका 39,650 तक जाने का दमखम रखता है, ठीक है। 38,800 के ऊपर चले तो ही बाय में रहिए, अगर और नीचे की तरफ 38,500 ब्रेक होता है तो फिर भैया सेल साइड में रहिए। आपका पहला टारगेट फिर 380 और दूसरा 38,200, बस ये। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में क्या होना है। वीकली कैंडल बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ग्रीन कैंडल है, अच्छी खासी ओपनिंग है इसकी 37,800 और ऊपर की तरफ क्लोज की। तो बस सिंपल सी बात है, ये है आपका बैंक निफ्टी नेक्स्ट वाले वीक के लिए। डेली चार्ट में तो स्ट्रांग दिख रहा है, अगर आज की कैंडल को छोड़ दिया गया स्टिल अभी भी काफी ऊपर 38,500 के नीचे ही खराब होगा, और बाय साइड की पोजीशन 38,800 के। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी आप देखिए, ये मैंने कल आपको लाइन खींच के दिखाई थी ये वाली, जब इसके लेफ्ट साइड में रहे नो सेल, सेल करने की चेष्टा ना करें, इसके राइट साइड में आए तब आपको सेल ना। ये कल का ही एनालिसिस है, तो आप देखिए इस लाइन ने कैसे ब्यूटीफुली इसको बचाया है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके 2 घंटे के चार्ट पे आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये पूरा मार्केट का 6 घंटे 9:15 से लेके 11:15, 11:15, ठीक है, फिर ये 1:15 और ये 3:15, इस लाइन को नहीं ब्रेक किया इसने। इसको थोड़ा और छोटा करके देखते हैं, ये देखिए, पहले शुरू में 11-12 बजे के लगभग 460 कुछ तक आया, ये आपने शुरू में देखा होगा 11-12 बजे तक इसने 460 कुछ का लेवल दिखाया, बट 1 बजे के बाद जब भी गिर रहा था तो 480 से ही घूम जा रहा था। क्यों घूम जा रहा था? क्योंकि भैया ये लाइन नहीं ब्रेक हो रही थी इसकी, 15 मिनट के चार्ट पे इसने एक भी क्लोजिंग नहीं दी इस लाइन के नीचे। तो और थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए, एक भी क्लोजिंग 15 मिनट के चार्ट पे इस पे नीचे नहीं, नीचे जाके फिर ऊपर, नीचे जाके फिर ऊपर। निफ्टी जरूर भैया इतना कोई दमखम नहीं दिख रहा, पर आज गिरा भी नहीं, ठीक है। और ये जोन तो आपको मंडे को पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला, ठीक है। ये लाइन टूटे तो भैया सेल है, बिंदास सेल है। पहला टारगेट है आपका 17,400 कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस, ये 380 से 17,400, ये आपका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका 17,280, ठीक है। पर इसके लिए 350 टूटे जब प्ले करना, 350 ब्रेक हो तो 280 के लिए प्ले करना। पहला टारगेट 17,400, ये लाइन ब्रेक होती है, ये लाइन आपकी मंडे को ही मेरे ख्याल में, मुझे लगता है आज का प्राइस एक्शन देख के तो ब्रेक हो जाएगी सर। ये है आपका, ये खुलेगा मंडे को, तो वही 17,500, ठीक है, 17,500। कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे ब्रेक होती है, आप नीचे के टारगेट प्ले करिए 17,400, ठीक है, 17,400 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। फिर 17,350 ब्रेक होता है, ठीक है, उसके बाद प्ले करिए 17,280 के लिए, बहुत चांसेस है देखने को मिल जाए। और 280 ब्रेक होता है, तीसरा टारगेट है 17,220, ये बाय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बाय साइड जब तक ये जो जोन है इसके ऊपर ना चले। और ये जोन है आपका 17,580 से लेके 17,630, ये 50 पॉइंट के ऊपर नहीं चलेगा, बाय नहीं करो, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, इस लाइन के जैसे ही राइट साइड में कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो आपने सेल ठोक देना है, और निफ्टी ऐसे लग रहा है जैसे तैयार है भैया ठोकने के लिए।
यहाँ से कुछ और ही चीजें पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये लाइन ने बचाया इसको आज। मार्केट मतलब ऐसे था कि यार ना तो नीचे जाऊं ना तो ऊपर जाऊं, यहाँ पे तो यही दिख रहा है। और बहुत छोटी रेंज में प्ले कर गया, बहुत छोटी रेंज में। एक बार हम डेली कैंडल और लगाते हैं, कोई अच्छी क्लोजिंग तो है नहीं दोस्तों, कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं। और आपको मंडे को हो सकता है 17,400 दिख ही जाए, 17,400 दिख ही जाए, ठीक है। मार्केट क्लोजिंग तो अच्छी नहीं दे गया, बस 17,500 को बचा लिया इसने। और 17,365 अगर टूट जाता है तो गया, फिर तो 17,200-150 तक आए। ये है आपका, इसकी एक बार वीकली कैंडल भी देखते हैं। तो वीकली कैंडल ग्रीन, वीकली कैंडल तो बुलिश हरामी टाइप पैटर्न दिखा रही है भाई। वीकली कैंडल तो बुलिश हरामी टाइप पैटर्न दिखा रही है। अगर ये क्लोजिंग इसकी इस लेवल पे, वही है 580 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो बहुत बढ़िया रहता है। वीकली कैंडल में वीक नहीं है, वीकली कैंडल में निफ्टी वीक नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। पर डेली कैंडल में इसकी बैंड बजी है थर्सडे और फ्राइडे डेली चार्ट में। तो कुल मिला के दोस्तों मतलब बैंक निफ्टी न्यूट्रल टू बुलिश है, निफ्टी नेगेटिव है, न्यूट्रल टू नेगेटिव, दोनों के अपने कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। तो 17,500 के नीचे आप निफ्टी को बिंदास बियरिश, और बियरिश रहिए। 17,200-250 आपको दिख सकता है नेक्स्ट वीक में, 17,500 के नीचे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 38,500 के नीचे भी अगर जाए तो आपको नीचे 37,800 तक दिखता है, दिख सकता है नेक्स्ट वीक में। ये दो लेवल रहेंगे जो कि नीचे नेगेटिव प्ले करने के लिए, सेल साइड मार्केट को प्ले करने के लिए। बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, 38,800 के ऊपर रहता है तो भैया वो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, ठीक है, इस पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। यहां से बाय ही बनता है, सेल नहीं बनता है। दिस इज द मोस्ट रिलायबल पैटर्न इन दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कभी रेयरली ऐसे लेट होते हैं जैसे आज ऐसे लेट होते, बहुत रेयरली ऐसे लेट होते हैं। इस लेवल के ऊपर रहे तो बैंक निफ्टी तेजी का घोड़ा है, मंदी का घोड़ा नहीं, ये आप जान लीजिए। सेल का लेवल इसका यही, ठीक है। और निफ्टी तो जब तक ये जो जोन है इसके ऊपर ना ट्रेड करे भैया, इसके ऊपर ना ट्रेडिंग करे, तब तक बाय नहीं करना, तब तक बाय नहीं करना है। इसके ऊपर रहेगा तभी ये इस 18,200 तक जा सकता है, फिर इसके ऊपर 18,200 इसका टारगेट है, पोजिशनल बेसिस जो मैं आपको देख के बता रहा हूँ। इसके ये जो जोन, इसको थोड़ा लंबा खींच लीजिए, ठीक है। और ये लाइन अगर टूटती है तो भैया फिर नीचे 17,200, 16,800 ये रहेगा आपका निफ्टी। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए, चैनल को फिर अनसब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।